हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा इंडिया। फ्रेंड्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान का जलवा थिएटरों में देखते ही बन रहा है। इस फिल्म ने 2 दिनों में 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। इस बीच उम्मीद की जा रही है कि बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स को धराशाही करती पठान अपने तीसरे दिन 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू सकती है। पठान ने अपने पहले दिन 54 करोड़ रुपए का कलेक्शन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर किया था। इसकी वर्ल्ड वाइड कमाई 106 करोड़ रुपए रही। अब रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन लगभग 70 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ इसका टोटल कलेक्शन 127 करोड़ रुपए हो गया है। दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर पठान ने 235 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन ऐसा मुमकिन होने के पीछे फैंस का प्यार के साथ साथ 26 जनवरी के दिन की छुट्टी होना भी है। अब तीसरे दिन पठान के लिए कमाई करना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 27 जनवरी को कोई हॉलीडे नहीं है। इसके चलते पठान की कमाई धीमी पड़ सकती है। रणवीर कपूर स्टारर संजय दत्त की बायोपिक संजू 46 करोड़ 71 लाख और प्रभास की बाहुबली 2 46 करोड़ 5 लाख, यश की KGF 2 82 करोड़ 9 लाख और सलमान की टाइगर जिंदा है 45 करोड़ और 53 लाख ने बॉक्स ऑफिस पर 42 से 46 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन अपनी रिलीज के तीसरे दिन किया था। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी फिल्मों की रिलीज का तीसरा दिन हॉलीडे था, जबकि पठान के सामने एक नॉन हॉलीडे खड़ा है। अगर पठान इस दिन 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन भी कर लेती है तो एक नया रिकॉर्ड फिल्म और शाहरुख खान का नाम दर्ज हो जाएगा। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने कोविड-19 पेंडेमिक के बाद बॉलीवुड के साथ साथ सिंगल स्क्रीन थिएटरों में जान डाली है। बॉलीवुड लंबे समय से सूखा पड़ा था, जिसके चलते ज्यादातर फिल्में पर्दे पर लगते ही पिट गईं। लेकिन पठान ने सिल्वर स्क्रीन पर आकर मानो बुरे दिन खत्म कर दिए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सालों के बाद करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। पठान के कारण लगे हैं।